हेलो दोस्तों, आज हम चाट की एक चटपटी रेसिपी देखने वाले हैं, रगड़ा चाट। रगड़ा चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सफेद बटाना लिया है, जिसको मैंने रात भर भिगो कर रखा है। यहाँ पर तीन मैंने छोटे आलू लिए, इनके पीसेस पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि चाट में अगर आलू हो तो वो टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है इसके लिए। और हाफ स्पून हल्दी लिए और स्वाद अनुसार नमक लिए। अभी इनको कुकर में डाल देना है, इसमें आलू भी डालना है। और यहाँ पर पानी डाल देना है। जो हाफ स्पून हल्दी ली थी वो डाल लिए, वन स्पून नमक डाल रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स करके यहाँ तक इसका पानी लेना है हमें। बंद करके इसकी दो से तीन सीटियाँ होने तक पकाना है। यहाँ पर अभी कुकर की सीटी होकर हमारा जो वटाना था सफेद वटाना वो हो चुका है, आलू भी हमारे हो चुके हैं। अभी इसका मसाला बनाना है, उसके लिए लगने वाला है। मैंने यहाँ पर वन स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ स्पून धना पाउडर लिया है, अदरक और लहसुन की मैंने दरदरा कुक कर लिया है, वन पिंच हींग लिया है, आमचूर पाउडर लिया है, यहाँ पर आप चाट मसाला भी ले सकते हैं पर यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर लिया है, और यहाँ पर जीरा पाउडर लिया है भुना हुआ, और जीरा लिया है हाफ स्पून, स्वादानुसार नमक, एक टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ और एक प्याज लिया है बारीक कटा हुआ। अब यहाँ पर प्याज करने पैन रख देती हूँ। मैं ऑयल बताना भूल गई थी, अभी यहाँ पर मैं दो से तीन स्पून ऑयल डाल दूंगी। यहाँ पर मैं अभी जीरा डाल दूंगी। ये चाट बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनती है। वन पिंच जो हींग था वो डाला, अदरक लहसुन को जो दरदरा कर लिया था वो डाल दिया। इसको दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अभी ये अदरक और लहसुन का जो दरदरा पिसा हुआ था वो भून चुका है। अभी वन कप जो मैं प्याज था बारीक पिसा हुआ, बारीक कटा हुआ था, वो भून भून जाती है। इसको सुनहरा रंग होने तक भूनना है। इसका सुनहरा रंग अभी हो चुका है, इसमें अभी टमाटर डाल देंगे, इसको भी अच्छे से भून देना है। ये टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब एक एक करके यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। इसमें हमें जो जो स्पाइसेस अच्छे लगते हैं वो हम डाल सकते हैं। इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लेना है। अभी ये भी हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी इसमें ये डाल, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जो आलू स्मैशर होता है उससे हम इसको पूरा स्मैश कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से स्मैश कर लेना है। इसमें मैंने ऊपर से पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते वक्त पानी था उसी पानी से ये बराबर से हो गया है। ये सूखा नहीं बनना चाहिए, इसमें अगर आपके पास पानी नहीं बचा हो तो आप उस पर पानी डाल सकते हैं थोड़ा। ये हमारा अभी ये टेस्टी रगड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें अभी गार्निशिंग के लिए थोड़ा समय धनिया पत्ती डालेंगे और इसको भी एक बाउल में निकाल के सर्विंग प्लेट में डाल दूंगी। यहाँ पर हमारा भी रगड़ा पेटीज हम बनाना, यहाँ पर हमारा रगड़ा तैयार हो चुका है। अभी इसको हम यहाँ पर प्लेट में डालेंगे, पर उसके लिए क्या क्या लगने वाला है वो मैं पहले दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने दही लिया है,
यहाँ पर मैंने जो चाट के लिए चटनी लगती है वो दोनों चटनियाँ ली, मीठी चटनी और तीखी चटनी। अगर आपको ये चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मैं लिंक डाल दूंगी। यहाँ पर पूरी ली है मैंने पानी पूरी की। आपके पास अगर नहीं हो तो आपके पास वेफर्स भी होंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर बारीक सेव ली है, रेड चिली पाउडर लिया है और आमचूर पाउडर लिया है और नींबू, धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर। अभी सर्विंग प्लेट में उसको हम डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गर्मा गर्म रगड़ा डालना है, यहाँ पर एक गर्मा गर्म रगड़ा डाल देना है। बाद में यहाँ पर दही डालना है, इसमें मैंने थोड़ी शक्कर डाली है तो थोड़ा मीठा दही है। चाट में हमें जो पसंद है हम सब डाल सकते हैं। यहाँ पर मीठी चटनी है, आपको मीठा तीखा जैसा पसंद है आप वैसा डाल सकते हो। यहाँ पर 1 स्पून मैंने तीखी चटनी डाली है, थोड़ा प्याज डालना है, टमाटर डालना है, नींबू का जूस डालना है, थोड़ा रेड चिली पाउडर डालना है, चाट मसाला डालना है। ये सब आपके हिसाब से आपको डालना है, जितना आपको पसंद है। और यहाँ पर मेरे पास ये पानी पूरी की पूरी थी वो मैंने डाल दिया है। आपके पास अगर वेफर्स भी होंगे, चिप्स होंगे, वो भी आप डाल सकते हो। बारीक सेव डाल देंगे, और गार्निश के लिए हरा धनिया डालना है। ये हमारी चटपटी चाट रगड़ाटा चाट बनकर तैयार हो चुकी है। ये चटपटी रगड़ा चाट हमारा बनकर रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।